हाय गाइस, मेरा जो और आप देख रहे हो टेक्निकल एजर्ट। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम कोई भी फ़ोन को वोल्टी कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि हम कोई भी फ़ोन को वोल्टी कैसे बना सकते हैं। देखिए गाइस, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है विदाउट जियो 4G वॉइस वो कॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वोल्टी नहीं रहता है। ठीक है, तो उनका मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो जाता है, नेट ओपन मतलब करना पड़ता है एनी टाइम जब भी कॉल करते हो। अगर आपने आपका नेट ऑफ रहता है तो मतलब फ़ोन भी नहीं आता है। तो विथआउट नेट और विथआउट मतलब जियो 4G वॉइस ऐप के आप कैसे कॉल कर सकते हो, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए गाइस, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। तो मैं यहाँ पर सेटिंग में आ गया हूँ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ से आने के बाद आपको जाना है मोर में। मोर में जाने के बाद सेलुलर नेटवर्क, ठीक है, सेलुलर नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिम सिलेक्ट करना है आपको, एयरटेल जियो जो भी हो, जियो है तो जियो। उसके बाद यहाँ पे आपको एनहेंस 4G LTE मोड को ऑन कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है एक्सेस पॉइंट नेम में। ठीक है, एक्सेस पॉइंट नेम में क्लिक करके क्या करना है, यहाँ पर प्लस का एक आइकन रहेगा, प्लस का आइकन में क्लिक करना है और यहाँ पे नेम में आपको जियो 4G डालना है, जियो 4G। ठीक है, MPN में आपको डालना है IMS। ठीक है, और यहाँ पे आपको IMS लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर ख़त्म है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो में ही तीन में ही छेड़खानी करनी है, नेम APN और APN टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी IMS और ये डिफ़ॉल्ट में IMS। ठीक है, डिफ़ॉल्ट और IMS दोनों होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर डिफ़ॉल्ट और नीचे IMS होना चाहिए। ठीक है, या आपका अगर ऐसा बॉक्स नहीं है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिफ़ॉल्ट कमा दे के IMS लिख सकते हो APN टाइप में। ठीक है, और APN में आपको लिखना है IMS, या यहाँ पर APN में आप जियो नेट भी लिख सकते हो। ठीक है, जियो नेट लिख दीजिए। ठीक है, जियो नेट। ठीक है, जियो 4G जियो नेट और डिफ़ॉल्ट आर कोमा और IMS। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका जो वोल्टी है वो आ जाएगा ये सेव करने के बाद। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप अपने फ़ोन को कैसे वोल्टी बना सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं एवरीडे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रेस्पेक्ट योर वैल्यूएबल टाइम।